अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद, आज का जो मेरा टॉपिक है डिस्कशन का है वह है ऑन गोइंग क्राइसिस इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और इसके लिए कौन लोग रेस्पॉन्सिबल हैं। इस वक्त दो तीन मामला पैरेलल में चल रहे हैं। एक तो नॉन टीचिंग स्टाफ स्ट्राइक पर होता है, कभी वो धरना पर होता है और शाम को ऑलमोस्ट रोज़ाना रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने इकट्ठे होते हैं और वो अपनी डिमांड्स रखते हैं। दूसरी तरफ डेली वेजर्स का मामला है, जो कई कई साल से डेली वेजर्स हैं, उनका कोई उन्हें फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है। तो नो डाउट जो टेम्प्रेरी स्टाफ है, रेगुलर पोस्ट पर है लेकिन वो टेम्प्रेरी हैं काफ़ी दिन से, तो इन सब लोगों की जो सोच है या उनकी जो परेशानी है वो बहुत जेन्युइन है और हम सब लोगों को मिलकर के नो डाउट इसके बारे में सोचना चाहिए। चूँकि किसी की नौकरी चली जाए तो ज़ाहिर है फैमिली के ऊपर बड़ा उसका बुरा असर पड़ेगा और कैसे सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सभी को मिलके बैठ कर के बात करने की ज़रूरत है। जो यूनिवर्सिटी के वेल विशर्स हैं, यूनिवर्सिटी कम्युनिटी है, वो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और सर्टेनली गवर्नमेंट की कंसेंट भी ज़रूर होगी, चूँकि फंडिंग एजेंसी आपकी गवर्नमेंट ही है। तो ये इशू ऐसा नहीं जो लोकल लेवल पर आप रिजॉल्व कर सकें, ऊपर भी हमें जवाब दीजिए। तो सबको कॉन्फिडेंस में ले करके बेहतर से बेहतर तरीका निकाला जाए और उन लोगों का भला हो। अब सवाल आता है कि हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। देखिए, मैं ये समझता हूँ इसकी जिम्मेदारी जिन लोगों पर है उनकी भी जवाबदेही होनी चाहिए। हम लोग ये, और दूसरी चीज़, ये क्राइसिस पिछले 4 या 5 साल से नहीं है, ये 25-30 साल से चला आ रहा है कि हम एडहॉक और टेम्प्रेरी अपॉइंटमेंट्स करते हैं, डेली वेजर्स के करते हैं और उन्हें जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, एक फॉर्मेलिटी है कि एडवर्टाइजमेंट करें, मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, उसके बाद सिलेक्शन कमेटी हो और सिलेक्ट करें। हमने ये नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसकी ज़िम्मेदारी इन एम्प्लॉयज के ऊपर कम है, उससे ज़्यादा ज़िम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है जो लोग बैठे हुए हैं। तो एक तो मैं ये कहूँगा कि इस ये सोचें कि ज़िम्मेदारी प्रेजेंट वाइस चांसलर की या इससे पहले की है या उससे पहले की, ये सही नहीं होगा। ये बहुत लंबे अरसे से चला आ रहा है। दूसरी बात ये कि ये ऐसा हुआ क्यों है, इसके पीछे रीजंस क्या है। देखिए, एक तो रीज़न ये है कि हमने अपने लोगों को, वेदर दे वर क्वालिफाइड और नॉट, उन्हें एंट्री दी। ऐसी एग्जाम्पल हैं कि वो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट उसका मेडिकल यानी प्रोफेशनल कोर्सेज में है जो मेडिकल से रिलेटेड हैं, जैसे पैथोलॉजी का डिप्लोमा है, आईज का डिप्लोमा है, आपका डेंटल का है, देयर सो मेनी 1 ईयर 2 ईयर कोर्सेज, तो वो है उसका। और उसका अपॉइंटमेंट हो जाता है इंजीनियरिंग कॉलेज के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, ऊपर से करके भेज दिया जाता है। चेयरमैन वीक है या कमज़ोर है, वो ज्वाइन करा देता है, करे भी क्या करे। तो इस तरह के अपॉइंटमेंट्स है, तो वो लोग जानते हैं जिन्होंने अपॉइंट कराया, वो भी जानते हैं जिनके अपॉइंटमेंट हुए, वो भी जानते हैं कि अगर प्रोसीजर फॉलो किया जाए, इनका एडवर्टाइजमेंट होगा तो जो क्वालिफिकेशंस अप्रूव्ड हैं वो इसी के बेसिस पर होगा, उसी के बेसिस पर एप्लीकेशन इनवाइट होंगी, शॉर्ट लिस्टिंग होगी, इंटरव्यू होगा, तो वो बाहर कर दिए जाएंगे। तो उनकी कोशिश भी यही रही कि सिलेक्शन कमेटीज ना हों और हम बाय हुक्स और क्रुक्स रेगुलर हो जाएं, जो कि नामुमकिन है। तो ये उस वक्त अपॉइंट करना ठीक है, आपने अपने जानने हुआ क्या, और इससे आगे मैं जाता हूँ कि जैसे आम तौर से फोर्थ ग्रेड स्टाफ है हॉल्स में,
प्रॉक्टर ऑफिस में, जो मेरे यहाँ 10 साल से मेरी खिदमत कर रहा था, खाना बनाएगा, काम करेगा, बिगाड़ कर रहा था। वन डे आई बिकम ए प्रोस्ट और द प्रॉक्टर और सम अदर पोजिशन। मैं पहला काम ये करता हूँ, उसका दबाव पड़ता है, उसे खुश करना है, उसे खिदमत लेनी है, कि उसका अपॉइंटमेंट यूनिवर्सिटी में कर देता हूँ। ज़्यादातर स्टाफ आपको ऐसा मिलेगा जिसकी जिम्मेदारी उस स्टाफ की कम है, हमारी ज़्यादा है, कि उम्र उसकी 50 साल थी, हमने 25 साल का सर्टिफिकेट कहीं से बनवाया और जमा कर दिया, और वो 80 साल की उम्र तक रिटायर नहीं हुए, बेटे उनके रिटायर हो गए, वो नहीं हुए। कुछ जगहों पर ओवर स्टाफिंग है, ज़रूरत 10 की है, 20 लोग वहाँ काम कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी को अपॉइंटमेंट करने से पहले ये भी देखना चाहिए कि किस डिपार्टमेंट में ज़रूरत है, वहाँ पर आदमी दिए जाएँ, और जहाँ नहीं ज़रूरत है या ज़्यादा है, वहाँ से उन्हें शिफ्ट भी करना चाहिए, आपको जस्टिफाई भी करना है गवर्नमेंट। और ये सिर्फ नॉन टीचिंग और टीचिंग में नहीं हुआ, डेली वेजर में नहीं हुआ, ये टीचिंग में भी हुआ है। बार डिपार्टमेंट्स में 10 टीचर की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ 30 टीचर हैं, और वो क्या करते हैं, मैं आपको एग्जांपल दूँ। इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने भी 45 इयर्स नौकरी की है, कि एक दो डिपार्टमेंट किसी भी फैकल्टी की मीटिंग से पहले जो ज़रूरी होता है, जो टीचर्स का लोड और उनका टाइम टेबल वहाँ सबमिट होता है, उन्होंने नहीं किया। रिमाइंडर्स भी दिए गए, सब कुछ कहा गया, लेकिन नहीं दिया। उन्होंने कभी आज तक ये डिस्क्लोज ही नहीं किया कि उनके टीचर्स का लोड क्या है। हुआ क्या है, जो आज भी हो रहा है, कि 10 लड़कों की लैब है, उस पर 4 टीचर्स हम दिखा रहे हैं, एक पेपर है 4 पीरियड्स और 6 पीरियड्स ए वीक, उसे हमने यूनिट वाइज 4 टीचर उसे पढ़ा रहे हैं, चारों का उसमें लोड दिखा करके हम कहते हैं कि इतना लोड है, जबकि 1/4 हो। उसी तरह लैब का जो लोड है वो हाफ माना जाता है, अगर 4 पीरियड है तो 2 पीरियड के इक्विवेलेंट होता है, वहाँ भी हम गड़बड़ कर रहे हैं। होता ही है कि 30 बच्चों पे 2 टीचर लैब में होने चाहिए, 2 टेक्निकल स्टाफ आपका होता ही है, लेकिन हम 4-4 टीचर उसमें लगा देते हैं, जाता एक है, 3 जाते ही नहीं है। तो देखिए, आप ये कहें, अगर हम ये बातें करें कि बदनामी होगी, बाहर बात जाती है, बोलना तो पड़ेगा, अगर आप नहीं बोलेंगे तो करेक्शन नहीं होगा। करेक्शन करना है, करेक्शन की ज़रूरत है। मुल्क के हालात को देखिए क्या हो रहा है। तो एक तो ये इशू टीचर्स का तो नहीं है, मेनली नॉन टीचिंग स्टाफ का है, डेली वेजेस का है। उसे हम सब लोगों को चाहिए कि हम सिंपैथेटिकली, जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं हमारे, टीचिंग के भी नॉन टीचिंग के भी, वो आगे आए बैठे, उन्हें इंस्टिगेट ना करें। ये जो जैसे स्ट्राइक 9 तारीख को किया, उसकी ज़रूरत नहीं। और दूसरी पैरेलल साथ साथ चल रहा है, लड़कों की डिमांड के यूनियन बननी चाहिए, उसका इलेक्शन हो, और तकरीबन 2 महीने से मेन गेट बंद है। देखिए, मेन गेट या रोड ब्लॉक तब की जाती है जिससे कि उसकी वजह से लोगों को तकलीफ हो और वो अवेयरनेस आए और वो आपकी सपोर्ट में आपकी बात सुने और उस बात को पब्लिकली आकर के आपको सपोर्ट दें। यहाँ गेट बंद करने से कोई असर नहीं पड़ा अब तक लोगों के ऊपर। हाँ, परेशानी ज़रूर बड़ी है कि वो सर सैयद हाउस की तरफ से जो एक छोटा सा गेट है उस पर बेहद रश रहता है, वहाँ से निकलते और जाते हैं। तो जो पर्पज़ है गेट बंद करने का, वो तो पूरा हो नहीं रहा। तीसरी चीज़ चल रही है इन पैरेलल, वो वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट्स की। एक डिमांड थी, लड़कों की भी थी, सभी की डिमांड थी कि साहब प्रोसीजर शुरू किया जाए रेगुलर वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट के। और उस वक्त डिमांड ये भी थी, इवन कोर्ट भी लोग गए, कि ये सिलेक्शन कमेटी ना करें, इन्हें अपॉइंटमेंट करने का राइट नहीं होना चाहिए, रेगुलर वाइस चांसलर आके करें, जो कि उन्होंने की, आप नहीं रोक पाए। और चूंकि उन्हें गवर्नमेंट ने परमिशन दी थी, कोई उन्होंने
इसलिए करी है। अब इधर आपका दबाव ये है कि नॉन टीचिंग स्टाफ जो टेम्प्रेरी है उसे रेगुलर करें, तो टेम्प्रेरी वाइस चांसलर कैसे कर देगा? चलिए, तो लड़कों की डिमांड जहाँ तक ये थी कि भाई वीसी का अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर शुरू करें, वो तो हो गया। अब उनका यूनियन का है और जो प्रोसीजर जो शुरू हुआ है वो भी एक क्राइसिस में है। सुना है कि कोर्ट में 16 तारीख लगी भी है हाई कोर्ट में कि जो प्रोसीजर फॉलो किया उसमें कुछ खामियां हैं। 30 अक्टूबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में भी और कोर्ट की मीटिंग में भी और कुछ नोट ऑफ डिसेंट भी गए हैं, तो ये भी एक अभी मसला अटका हुआ है। देखिए 16 तारीख को क्या होता है। और चौथा जो सबसे बड़ा है जिस पर आप बात नहीं कर रहे, कि जो आपका माइनॉरिटी स्टेटस तो है ही नहीं था कभी, ना है पहले था ना भय, लेकिन किसी तरह से डिफरेंट बॉडीज में आप एज इफ यू आर ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, उस तरह से उनमें रिप्रेजेंटेशन कोर्ट के अंदर मुसलमानों का है। एडमिशन में मुसलमानों का 1% भी एएमयू में रिजर्वेशन नहीं है। तो ये याद रखिए कि एएमयू ना कभी माइनॉरिटी रही है ना है, और जो कोर्ट में इस वक्त 7 जज या 9 जज बेंच बनी है उसमें दुआ कीजिए इट मे गो अगेंस्ट यू। आप अगर समझें कि गवर्नमेंट डर जाएगी, 370 उन्होंने किया, बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट उनके फेवर में आया, 750 किसान मर गए उस पर अफसोस तक नहीं चाहे, तो गवर्नमेंट आप समझ रहे हैं जो हालात हैं जिस तरह का एटीट्यूड है तो वो दबाव में तो नहीं है आपके आने वाली, और आप मनमानी भी नहीं कर सकते क्योंकि मनमानी हम कर रहे थे। आज ही एक बड़ा अच्छा समझिए आर्टिकल आया है, वो मैंने अभी पढ़ा, वो उसमें है एएमयू इन सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड। एएमयू इन सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड काफ़ी बड़ा आर्टिकल है, मैं उसे सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें भी उन्होंने बाय एंड लार्ज जो क्रिटिसाइज किया वो तो हमारे एक लीगल अवेयरनेस फोरम के जो पढ़े लिखे लायर हैं, वाइस चांसलर भी हैं, पैनल में भी नाम है, उनके लिए वो ज़्यादा क्रिटिकल है। बहुत कुछ लिखा है, आप लोग चाहें तो इसे पढ़ लीजिए। मैं दोबारा बोल देता हूँ, ये सोशल मीडिया पर चल रहा है काफ़ी, एएमयू इन सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड ये आया। तो तीसरी चीज़ ये तो है आपकी इंटरनल एएमयू का मामला जो दुनिया के लेवल पर आपके साथ हो रहा है, जो इस वक्त गाज़ा में हो रहा है, और हम यहाँ इन छोटे छोटे मामला के किस तरह से पूरी दुनिया देख रही है, कत्ले आम डिस्ट्रक्शन, और हम यहाँ प्रोटेस्ट इन मामले के लिए कर रहे हैं। तो मेरी राय यह है कि देखिए प्रोटेस्ट करना भी गलत नहीं है, डिमांड भी गलत नहीं। आई फुल्ली सपोर्ट कि जो टेम्परेरी स्टाफ है वो परमानेंट हो। लड़कों की यूनियन की डिमांड भी नाजायज नहीं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब प्रोसीजर शुरू हो गया है वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट का, और आप सबकी हमेशा डिमांड रही कि वाइस चांसलर टेम्परेरी हैं, एडहॉक हैं, उन्हें अपॉइंटमेंट करने का कोई राइट नहीं है, उसी तरह से जो भी पॉलिसी मैटर्स हैं वो आप एक दो महीना वेट करें, नया वाइस चांसलर आएगा, उसमें पावर भी होगी, स्ट्रेंथ भी होगी, उसे सपोर्ट भी होगी, वो लेट हिम डिसाइड द मैटर क्या। और उसमें जो यूनिवर्सिटी के सोशल एक्टिविस्ट हैं टीचिंग एंड नॉन टीचिंग, वो और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन बैठ करके और कुछ कोर्ट के मेंबर भी बैठ करके उसे तय करें। लेकिन मुझे अफसोस ये है, ये हमारे बच्चे हैं, हमारी औलाद है, हमें इनके फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। जाहिर है टीचर्स हैं, दे आर लाइक पेरेंट्स,
ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं, तो आप उनके पास जाना आपको चाहिए था और उन्हें समझाना चाहिए था कि बेटा अभी जब तक नया वाइस चांसलर आए इसे आप सस्पेंड कर दीजिए धरना को, और गेट यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की भी जिम्मेदारी थी, ख़ास तौर से प्रॉक्टर ऑफिस और जो इतना बड़ा महान डिप्टी प्रॉक्टर असिस्टेंट प्रॉक्टर प्रॉक्टर हैं, और कुछ यूनिवर्सिटी टीचर्स को सलाह लेते हैं, उन्हें समझाते हैं कि भाई दरवाज़ा खोल दीजिए, गेट खोल दीजिए, इससे किसी को तकलीफ नहीं, सिर्फ AMU कम्युनिटी है दे आर सफरिंग और आपकी डिमांड जायज़ है, लेट द न्यू वाइस चांसलर कम्स। और जहाँ तक आपका सवाल है कि जस्ट नाउ मेरे ख्याल से और सेमेस्टर के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो जाहिर है इस वक्त इलेक्शन का माहौल नहीं है, थोड़ा सा नया वाइस चांसलर आएगा, लेट हिम डिसाइड, उस पर आप दबाव बनाएं, नो प्रॉब्लम। इनके ऊपर दबाव बना करके वो जायज़ नहीं, और ये काम ये वाइस चांसलर तो करें या ना करें, लेकिन हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को कहें कि बेटा आप पढ़ाई पर कंसंट्रेट करिए, यू जस्ट गिव सम टाइम जब तक कि नया वाइस चांसलर आए, और उन्हें बताइए कि हम आपकी डिमांड में आपके साथ हैं, हम आपके मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन हम तो अपने पॉलिटिक्स चलते हैं, हम तो सिर्फ हमारा इंटरेस्ट यहाँ तक है कि हम वाइस चांसलर जो आए वो हमारी पसंद का है, जिससे हम बेईमानी से अनक्वालिफाइड लोगों का अपॉइंटमेंट कराएं, कॉन्टैक्ट्स लें, एडमिशंस कराएं। वो साहब जो हैं जो कहते हैं आई एम द मेंबर ऑफ द सुप्रीम गवर्निंग बॉडी, जो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया को खत लिखते हैं, जो जिस दिन कोर्ट की मीटिंग EC की मीटिंग होने वाली थी, कोर्ट की मीटिंग, तो बैठे हुए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि मैं स्टे लाऊंगा, स्टे तो नहीं मिला, हाँ 16 तारीख को वो है, और ये भी अपनी जगह कि मैं भी कुछ आप कह नहीं सकते हाई कोर्ट का क्या जजमेंट होगा। अगर मान लिया एडवर्स आता है उसे नल एंड वॉइड करते हैं, जो मीटिंग EC की 30 तारीख को हुई और 6 तारीख को कोर्ट की हुई, तो इसका मतलब ये कि दोबारा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। और जो कुछ लोगों का इतराज है कि 23 तारीख को एक मेमो नोटिफिकेशन हुआ कि 30 अक्टूबर को यानी 6 दिन पहले EC की मीटिंग होगी, उसमें बाहर किसी को मालूम नहीं हुआ, इसी यही वजह है कि 32 कैंडिडेट्स सिर्फ एप्लीकेंट थे, जिसमें 20 के करीब 12 का कोई प्रपोज करने वाला और सेकेंड राउंड नहीं मिला, 20 लोग इलेक्शन फ्रेम में रहे। तो क्या इस तरह से आप अच्छे लोग ला सकेंगे? लेकिन चूंकि हमारी नीयत ही ख़राब है, हम चाहते ही नहीं अच्छा आदमी आए, इसमें आप बहुत से कैंडिडेट्स देख लीजिए इन 32 में, क्या वो इस काबिल हैं कि वो वाइस चांसलर बने? तो वाई नॉट वाइड पब्लिसिटी, अखबार में आप क्यों नहीं उनका बायोडाटा मंगाते? और ये जो तरीका है कि एक प्रपोज करे को कहे नो इट विल नॉट वर्क, इट शुड नॉट वर्क, इसे मॉडिफाई करना चाहिए, वरना एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैज द राइट कि वही प्रपोज कर दे कि एक सर्च कमेटी बनेगी, 2 मेंबर आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल से जाएंगे, 1 मेंबर विजिटर से रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो दे, और सर्च कमेटी के थ्रू अखबार में देंगे, 10-15 दिन का टाइम देंगे, लोगों की एप्लीकेशन आएंगी, स्क्रूटनाइज होगी, और जो बेस्ट है उसे आप लाइए। इसमें अफसोस की बात तो ये कि जो सभी लोग कह रहे हैं कि सब लोगों को चांस नहीं दिया, बट एनी हाउ आप सबके कहने से प्रेजेंट वाइस चांसलर ने जो एक्टिंग की है कुछ प्रोसीजर शुरू किया। उस वक्त जो मेंबर थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, अगर कोई गलती थी तो उन्हें लिख करके भी देना चाहिए था और उन्हें वहाँ बोलना भी चाहिए था। शायद किसी ने
कोई नोट ऑफ डिसेंट एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नहीं दिया, हाँ कोर्ट में जरूर दिया है जो मेरी मालूमात है। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको बहुत सी चीज़ें बदलनी पड़ेंगी, बहुत से रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। आप आइसोलेशन में नहीं रह सकते कि हमारा कोर्ट ये कहता है, यू आर ऑटोनमस ओनली ऑन पेपर, ये भूल जाइए। वो ज़माना गया जब सेंटर में आपकी फेवरेबल गवर्नमेंट होती थी और आप कहा करते थे कि हम तो स्टेट गवर्नमेंट से बात भी नहीं करते, वो हमारे लेवल के नहीं है। आज वो टाइम नहीं है, आपको स्टेट की भी सुननी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी सुननी है, यूजीसी की भी सुननी है, और सिर्फ सुनने नहीं है, वो डिक्टेट करेंगे और आपको चलना होगा। दे नथिंग लाइक ऑटोनॉमी। गवर्नमेंट आपको 1100 करोड़ के करीब रिकरिंग ग्रांट देती है। आप इवन इफ सम इंस्टीट्यूट हैज द स्टेटस ऑफ माइनॉरिटी, माइनॉरिटी स्टेटस, उस पर भी ये नहीं कि वो मनमानी जो चाहे कर ले, उसके भी नॉर्म्स हैं, और वो नॉर्म्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही बनाती है कि आपको ये फॉलो करना है, ये कंसेशंस हैं और ये आपको करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो हम चंद लोग हैं जो मैनिपुलेट करते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, जो मैनिपुलेट करते हैं कोर्ट को। एक साहब का मालूम हुआ कि वो तो तीन का पैनल ही इकट्ठा लिए हुए थे कोर्ट के लिए, और सुनने में यह आया है कि उसमें उनका एक कैंडिडेट, चूँकि पांच में एक ही एक्सटर्नल था, तीन इंटरनल थे, वो एक्सटर्नल पे भी हाथ रखे हुए थे और दो इंटरनल पे भी, तो वो एक्सटर्नल उन तीन में जो कोर्ट ने किया है नहीं आ पाए। बहरहाल तो बी अवेयर ऑफ सच पीपल, ये लोग ना यूनिवर्सिटी के हैं या ना कम्युनिटी के हैं, ये लोग सिर्फ अपने और अपने बारे में करते हैं। क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है कितने लोग टीचर जा रहे हैं, कितने लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में वो जा रहे हैं, जो नॉन टीचिंग स्टाफ के पास जाए, उन्हें गले लगाए, उनसे हमदर्दी जताए और उनसे उन्हें समझाए भी कि आप एक आध महीना चुप रहिए, लेट द न्यू वाइस चांसलर कम, उनसे फिर बात करके चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। ही इज़ एड हॉक एंड बी श्योर ये वाइस चांसलर टेम्प्रेरी स्टाफ को रेगुलर करने की हैसियत नहीं रखते, चूँकि उसमें प्रोसीजर जो गवर्नमेंट का वो तो फॉलो करना पड़ेगा। हाँ वो ठीक है, जब इंटरव्यू हो रहा है या टेस्ट हो रहा है तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाए, रखा जाना चाहिए कि आदमी 10 या 20 साल से काम कर रहा है तो उसके लिए वो नॉर्म्स ना हों जो कि एक फ्रेश के लिए होते हैं। इससे मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन आप चाहें कि एक कलम के सिग्नेचर से वो सबको रेगुलर कर दें, वो मुमकिन नहीं है, चूँकि जैसे मैंने कहा कुछ लोग मिनिमम क्वालिफिकेशन भी फुलफिल नहीं करते टेक्निकल पोस्ट पर ख़ास तौर से, तो प्रोसीजर तो करना ही पड़ेगा फॉलो। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट ने जो मेरी इतला है कई बार यूनिवर्सिटी को ख़त भी लिखे कि आप जो टेम्प्रेरी स्टाफ है उसे रेगुलर कर लीजिए, लेकिन नहीं किया। तो उसमें दोनों की बात है, गलती एडमिनिस्ट्रेशन की भी है, लेकिन कुछ स्टाफ भी नहीं चाहता था कि प्रोसेस पूरा हो, चूँकि उन्हें उम्मीद है, वो जानते हैं कि वो क्वालिफाइड नहीं है, वो कभी रेगुलर नहीं हो पाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, हम मुल्क के हालात को समझें, दुनिया के हालात को समझें, अपने हालात को समझें। अभी जो लेटेस्ट इतला है, एक मुहिम चल रही है, कुछ झूठे हैं, कुछ हो सकता है सच्चाई भी हों, मैं नहीं कह सकता, आई डोंट नो, कि कुछ लड़कों की गिरफ्तारी हो रही है एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में। मैं समझता हूँ यूनिवर्सिटी शुड कम आउट, जो सच्चाई है लोगों के सामने रखी है, लड़कों की गिरफ्तारी भी सुनाए हो गई है, आप क्लियर कट बोलिए कि ये बच्चे हमारे स्टूडेंट हैं, ये नहीं है, और या अगर किसी बच्चे को गलत तरीके से अरेस्ट किया तो यू हैव टू स्पीक कि ये गलत हुआ है और यूनिवर्सिटी हम सपोर्ट देंगे उसके कोर्ट केस, कोर्ट में केस लड़ने को।
आप तो चुप है, यहाँ गोली चलती है, गोलियाँ लग जाती हैं और आप कह के खड़े हो जाते हैं कि बाहर के लोग थे। आखिर कब तक चले गए ये बाहर के थे? कैंपस के अंदर क्राइम हो रहा है तो बाहर के आए ही कैसे? और ये भी सबकी नॉलेज में है, लेट एवरीबडी नो, हर आदमी जानता है, सड़क पे ये बातें हो रही हैं कि हॉल्स में हजारों लड़के आउटसाइडर्स रह रहे हैं, इलीगली रह रहे हैं, और कमरों में अलॉटमेंट ट्रोस्ट या वार्डन नहीं कर सकते, उनकी ये हैसियत नहीं है। लड़का जिसे चाहे छीने लड़का ला कर के रखता है और वो रहता है। सिर्फ यही नहीं, यूनिवर्सिटी के काफ़ी क्वार्टर्स ऐसे हैं जो खाली पड़े थे, उसमें बाहर के लोग रह रहे हैं। तो आप ये कहकर के कैसे चलेगा कि बाहर के लोग आते थे, क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? प्रॉक्टर ऑफिस में इतना बड़ा स्टाफ है, वो क्या करते हैं, धरना हो रही वो कुर्सी रखने पर आ जाते हैं, पानी पिलाने पर लग जाते हैं। आपका काम ये नहीं, माफ कीजिए, वो तो खुद मैनेज कर लेंगे लोग जो धरना पर हैं या स्ट्राइक पर हैं, वो कमज़ोर नहीं है। लेकिन आप तो खुशामद में लग गए, तो आपसे क्या उम्मीद करी जाएगी कि यूनिवर्सिटी के आप प्रॉपर्टी को बचाएंगे, मामलात को सुधारेंगे? आपकी भी जिम्मेदारी है, चाहे आप किसी भी पोजीशन पे है, कि बच्चों से मोहब्बत प्यार से सच्चाई पहले अपने एडमिनिस्ट्रेशन से समझें और फिर उन तक ट्रांसफ़र करें, उनके साथ कोई ज्यादती ना हो जाए। गवर्नमेंट और पुलिस तो तलाश में है कोई मौका मिले, और वहाँ जब मैं भी गुजरा एक दो बार नॉन टीचिंग में, कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे, जिस तरह से इंस्टिगेट किया जा रहा, वो कौन करें जो परमानेंट है, जिनका कोई चीज़ रिस्क में नहीं है, वो बोल रहे हैं और इन बेचारों को इंस्टिगेट कर रहे हैं, कुछ अनहोनी हो गई तो वो ये ना समझे उनकी रेगुलर नौकरी है, गाज उनके ऊपर भी पड़ेगी। ये डराने की बात नहीं, बट दिस इज द ट्रूथ। अगर आपको ऐसी हमदर्दी है तो आप इनसे कहिए कि अगर किसी को हटाया जा रहा, सैलरी नहीं मिली, जो मैं पहले भी कह चुका कि 20-20% ऑफ आवर सैलरी हम कंट्रीब्यूट करेंगे उनके फैमिली को चलाने के लिए, मैं भी दूंगा अपनी पेंशन से। सिर्फ वहाँ जाके भाषण देना, अपने लीडरशिप को चमकाना, चूँकि आपको इलेक्शन लड़ना है आगे, किसी को टेक्निकल, किसी को नॉन टीचिंग, किसी को टीचिंग, ये जायज़ नहीं है। उतनी बात करिए जितनी आप कर सकते हो, और लोगों को भी मैं कहूँगा जो सफ़रर्स हैं, जो तकलीफ में हैं, कि जो आपको लेक्चर देने आते हैं, भाषण देते हैं, उनकी पूरी हिस्ट्री भी मालूम कर लीजिए कि ये कौन है, किस तरह के लोग हैं, वेदर दे आर जेन्यून और नॉट। जेन्यून जो होगा वो तरीके से बैठा करके आपसे मोहब्बत प्यार से बात करेगा और सपोर्ट देगा, सपोर्ट तो देनी है, उसमें कोई बुरी बात नहीं, वो देनी है, लेकिन इंस्टिगेट ना करें, उन्हें वायलेंस के लिए भड़काएं ना, उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आप ये ना समझें कि ये कोई मैं डराने के लिए बात कर रहा हूँ, अल्लाह ना करे, कौम को ना डरना है ना दबना है, लेकिन तरीके से आगे बढ़ना है। आप बिल्कुल ना डरें, किसी से ना डरें, लेकिन ये भी नहीं कि पहाड़ में जाकर के सर मारें, पहाड़ नहीं टूटेगा, आपका सर ही टूटेगा। तो आप काम करें, सोच समझ करके करिए, हालात को देख करके करिए। आप उस ज़माने में रह रहे हैं जो आपके लिए बहुत फेवरेबल नहीं है, वो एनवायरनमेंट है, आपके बच्चों का फ्यूचर है, आपका अपना फ्यूचर है, पूरी कम्युनिटी का फ्यूचर है। क्या हो रहा चारों तरफ, बच्चे अरेस्ट हुए हैं, क्या कोई आया, किसी की हिम्मत है सड़क पर आने की? जो गाज़ा में हो रहा है, क्या ठीक है, यूनिवर्सिटी के बच्चों ने जुमे को कोशिश की, लेकिन जिस तरह से प्रेस ने और बाहर लोगों ने कहा यूनिवर्सिटी में ये हो रहा, क्या गलत हो रहा? एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं बोलता कि हमें ये आज़ादी है कि हम अपनी बात कहें? गाजा में इंसानियत
कुचली जा रही है। वहाँ किसी मुस्लिम या क्रिश्चियन या रिलीजन का मामला नहीं है, वहाँ एक कम्युनिटी है जिसके साथ वो जुर्म हो रहा है जो दुनिया में की तारीख में बहुत कम हुआ है, और वहाँ वही हो रहा जो यहूदियों के साथ जर्मनी में हुआ। बजाय वो उससे सबक सीखते, उससे बदतर वो वहाँ के लोगों के साथ कर रहे हैं, तो क्या इस पर आवाज़ नहीं उठाना चाहिए? क्या इस पर आवाज़ उठाना गुनाह है? क्या इस पर आवाज़ उठाना इंटरनेशनल है? इसराइल के अंदर खुद रोजाना प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि गाज़ा में सीज फायर करिए, गाज़ा वालों को आज़ादी दीजिए, नया उनका मुल्क फलस्तीन स्टेट बनाइए। ये सब इसराइल के अंदर और अमेरिका के अंदर और ब्रिटेन के अंदर, फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर रोज़ हो रहा है, भले ही कि वहाँ की गवर्नमेंट्स इसराइल के साथ खड़ी हो, लेकिन पब्लिक वहाँ की ये सब बोल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।